नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारत टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सड़क के किनारे पलटे टैंकर, तेल लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। सुगौली थाना क्षेत्र के सुगौली से रक्सौल जाने वाली पथ में सिकराहना नदी के समीप गुरुवार को टैंकर अचानक पलट गया, जिसमें रखी तेल नीचे गिरने लगा। तभी ग्रामीणों द्वारा तेल लूटने का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल NH 527 डी किनारे सिकराहना नदी के पास सड़क पर गड्ढा होने की वजह से तेल का टैंकर पलट गया। इस बात की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बाल्टी, डिब्बा, गैलन लेकर पलटे टैंकर की तरफ दौड़ गए और तेल लूटकर चलते बने। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों की बात कहे तो टैंकर चालक गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकाला और बाल बाल बच गया। सूचना स्थानीय थाना को मिली। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तेल लूट रहे ग्रामीणों को खदेड़ा। पुलिस मामले की जानकारी, टैंकर को सीधा करने के लिए JCP बुलाया गया और टैंकर को ठीक किया गया। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। किस तरह से रात के रात में बहुत ज्यादा कुहासा होने के कारण मेरा टैंकर यहाँ सिकराहना पुल के पास नया मिट्टी भरा हुआ है, उसी के चपेट में आकर नीचे चला है। लगभग 4 पल तक आके अभी सीधा करने के क्रम में हम लोग लगे हुए हैं। थोड़ा देर में सीधा होकर निकल जाएगा, ज्यादा नुकसान नहीं है। ड्राइवर खलासी को कोई नुकसान नहीं। कहाँ से आ रहा था? बरौनी से आ रहा था लोड करके और काठमांडू के लिए जा रहा है। तो आपका तो नुकसान भी हुआ है कुछ? हाँ, तेल बहुत नुकसान हुआ है, जो कि गांव वाले उठा कर ले गए हैं तेल को। लेकिन वो लूटपाट वाला मामला नहीं है, तेल जो गिर रहा था उसी को उठाया है लोग। आपका पूरा परिचय? मैं गाड़ी का मुंशी हूँ, रक्सौल से हूँ। मेरा नाम बबलू कुमार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल भारत टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।